दोस्तों, आज तक आपने पानी पीने के कई फ़ायदे तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर वही पानी गलत तरीके से पिएंगे तो वो आपके सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये बात हर सभी को नहीं पता है कि लोग पानी जिस पोजीशन में पीते हैं वो पोजीशन अच्छा है या बुरा। और दोस्तों, पानी पीने के फ़ायदे और नुकसान पानी पीने के पोजीशन पर डिपेंड करता है। आपको बता दें कि आयुर्वेद में पानी खड़े होकर पीना मना ही माना जाता है। इस तरह पानी पीने से एक तो प्यास नहीं बुझती और दूसरी बात कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में पानी का बुरा असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं पानी खड़े होकर पीने के कई नुकसान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, माना जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर देखने को भी मिलता है। आपको बता दें कि खाना खाने के आधे से एक घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। ऐसा न करने से पाचन क्रिया कमज़ोर होता है। और यदि आप कुछ तीखा खा रहे हैं तो पानी को घुट घुट कर ही पिए, क्योंकि एक साथ ढेर सारा पानी पियेंगे तो खाना पचने में दिक्कत होगा। और दोस्तों, जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज या किसी भी पब्लिक प्लेस एरिया पर, खासतौर पर ये वीडियो उनके लिए है, ध्यान से देखें। खड़े होकर पानी पीने से फूड और विंड पाइप में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसका असर फेफड़ों और दिलों पर देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको इससे हार्निया की शिकायत भी हो सकती है। खड़े होकर पानी पीने से पेट के निचले हिस्से पर दबाव बनता है, जिससे पेट के आसपास की दीवारों के अंगों को बहुत नुकसान पहुँचता है। और खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों पर भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि खड़े होकर जब आप पानी पियेंगे तो आपका शरीर पूरा स्ट्रेट रहेगा, जिसकी वजह से पानी शरीर के अंदर जाते ही जोड़ों में इकट्ठा होने लगेगा, तो आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी और आप गठिया जैसी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी शरीर में बिना फिल्टर हुए पेट के निचले हिस्से में तेज़ी से पहुँचता है, जिससे किडनी के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों, आप लोगों ने तो कभी गौर किया होगा, या जो लोग नहीं किए हैं वे लोग एक बार ज़रूर गौर करेंगे। जब भी आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो प्यास कभी नहीं बुझती है और पेट भी भर जाता है। इसी के बजाय अगर आप बैठकर पानी के छोटे छोटे घूंट पीते हैं तो आपकी प्यास भी बुझती है और आपका पेट भी भर जाता है। इसीलिए आप पानी जब भी पिए तो बैठकर पिए, जिससे आपकी पाचन क्रिया भी सही रहेगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।